ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के बॉयज स्कूल में 3 दिन से चल रही एसएमसी कार्यशाला का समापन हो गया है। इस कार्यशाला में आईएसएससी के प्रोजेक्ट के बारे में और शिक्षा की महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में बताया गया। जिला के विभिन्न ब्लॉकों में ये कार्यशाला 21 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक चलाई जाएगी और इसमें पंचायत प्रधान और महिला मंडल की प्रधान को भी बुलाया जाएगा। हमीरपुर के बॉयज स्कूल में 3 दिन से चल रही एसएमसी कार्यशाला का समापन हो गया है। इस कार्यशाला में आईएसएससी के प्रोजेक्ट के बारे में और शिक्षा की महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में बताया गया। जिला के विभिन्न ब्लॉकों में ये कार्यशाला 21 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक चलाई जाएगी और इसमें पंचायत प्रधान और महिला मंडल की प्रधान को भी बुलाया जाएगा। मैं सुनील कुमार, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एसएमसी ट्रेनिंग और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन आईएसएससी डाइट हमीरपुर एट गवर्नकरौर। आईएसएससी का हमारा एक प्रोजेक्ट है कि शिक्षा में जो दो बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, एक सरकारी स्कूलों में बच्चों के एनरोलमेंट को बढ़ाना और दूसरा शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आए, और इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और ये मंथन करके निकला है कि जब समूह की सहभागिता होगी, जन सहभागिता होगी, तो शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। तो इसी कड़ी में हमने प्लान किया है, हमने डाइट हमीरपुर में 2 दिन की कार्यशाला आयोजित करी जिसमें कि हमने विभिन्न डीआरजी ग्रुप हमने तैयार किया और 21 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक हम अपने जिला के विभिन्न ब्लॉकों में हमारे 6 शिक्षा खंड हैं और उनके प्राइमरी और अपर प्राइमरी को मिलाकर हमने 12 वेन्यू निश्चित किए हैं और इसमें हमने एसएमसी प्रधान, पंचायत प्रधान और महिला मंडल की प्रधान को इनवाइट किया है और ये लोगों को हम लगभग 100-150 के एक सेंटर में होंगे और कुल जिला हमीरपुर के लगभग 2000 से 2200 के करीब हम लोगों को ट्रेन करेंगे। और ये जो ट्रेन प्रतिनिधि हैं वो स्कूलों में जाकर जनरल हाउस मीटिंग करेंगे, जन संवाद करेंगे, शिक्षा संवाद करेंगे। तो प्रथम शिक्षा संवाद हमारा 5 सितंबर को हरेक स्कूल में होगा, उसके बाद 31 दिसंबर को, और लास्ट का जो हमारा शिक्षा संवाद है वो 31 मार्च को किया जाएगा। और इसके अलावा जो शिक्षा हमारा एक दिवस होता है 11 नवंबर को, वो भी सेलिब्रेट करेंगे और हम कम्युनिटी को इसके साथ जोड़ रहे हैं क्योंकि किसी भी मिशन को पाना है तो अकेला अध्यापक या बच्चे नहीं कर सकते जब तक कि माँ बाप का रोल ना हो। तो ये हमारी तीनों की कड़ी को मिलाकर हम एक माला में इसको परो रहे हैं ताकि बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो जाए। तो बहुत अच्छा क्वालिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, पब्लिक बहुत अच्छा मोबिलाइज हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से संस्थाइज हो रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके बड़े सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे और कम्युनिटी हमारी इस शिक्षा के समाज में जुड़ेगी। और हमने ये योजना बनाई है कि जो एसएमसी हमारा अच्छा काम करेगी उसको खंड स्तर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके और इसी तरीके से जिला स्तर के ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड एसएमसी को हम सम्मानित करेंगे और उनको मोमेंटो देके प्रशस्ति पत्र देकर और एक्सपोजर ट्रिक विभिन्न स्कूलों में जहां बेस्ट प्रैक्टिसेस स्कूलों में हो रही है उससे इनको अवेयर करेंगे। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कम्युनिटी को स्कूलों के साथ जोड़ना ताकि बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो रहे और हमें आशा है और कि भविष्य में हमें इसमें बहुत सफलता मिलेगी क्योंकि जिस तरह का सेंसिटाइजेशन हमने कम्युनिटी की तरफ से जो रिस्पांस मिल रहा है तो वो बहुत अवेयर हैं और मुझे उम्मीद है कि गुणवत्ता के क्षेत्र में भी आने वाले समय में जिला हमीरपुर नंबर 1 पर पहुंचा गया, ऐसी मेरी उम्मीद है।